गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जो वीडियो शूट हो रहा है वो है निकॉन के कॉलपिक्स A10 कैमरे से। और क्वालिटी बताओ गाइस कैसी है कि और माइक है कि हमारा, मतलब मेरी वॉइस आपको कैसी मिल रही है कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और हाँ, ये मैंने कैमरा परचेस किया था बहुत पहले, पर कुछ इशू के चक्कर में मैं इस कैमरे से वीडियो को नहीं बना रहा था गाइस। तो इसकी सोच रहा हूँ मैं एक रिवील वीडियो मैं अलग से लेके आऊँ कि भाई अपने जो फ़ोन से वीडियो शूट करता हूँ उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी कैसी। और फिलहाल तो गाइस अभी हम दिखाने वाले हैं आपको हमारी महाकाली के चौथे पार्ट को। तो वो कुछ डिले के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इसी कारण वो वीडियो हमने देर हो जाने में, पर अभी मैंने उसका पूरा काम कर दिया हूँ। तो आप देखिए उस वीडियो को और बताइए कैसी है। मैं खुदा से कहता था पाँचवा पार्ट भी बन सकता है, लेकिन गाइस उस प्रॉब्लम के चलते कुछ वीडियो हमारे पास से डिलीट हो चुकी है गाइस। तो जितनी बनी है भाई आप उसको देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसी है। और देखिए वीडियो को और कमेंट करिए, और पसंद आए तो एक लाइक कर सकते हो। सो है गाइस, दिस इज एजे एंड वेलकम टू माय चैनल FRS ब्लॉग। तो चलिए जाइए वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। तो अभी हवन कुंड बनाया जा रहा है जहां हमारे माता की महाआरती होगी, और देखिए कैसे हमारे सारे समिति मेंबर्स मिलकर इस हवन कुंड को बनाते हैं। गाइस कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं आपको हवन की वीडियो नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि वो मेरे फ़ोन से डिलीट हो चुकी है, पर आपको महाआरती की वीडियो देखने को मिलेगी। तो आप एंजॉय कीजिए महाआरती को। सो गाइस महाआरती के कुछ समय बाद हमारे पंडाल में आए थे संस्कार धनी यूट्यूब चैनल के कुछ रिपोर्टर्स जो हमारे पुराने समिति मेंबर्स हैं, उनसे हमारी माता के बारे में जानकारी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी वो सुनाया जाए कि उनके बीच क्या बातें हुई थी। वैसे बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं संस्कार धानी के, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सुनते हैं हमारे और उनके बीच के इंटरव्यू को। इसी कारण हम लोग आज तक जुड़े हुए इस समिति में, बहुत से लोग जुड़े हैं और सभी की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। और साथ ही साथ हमने अभी नए नए नौजवान कार्यकर्ता जोड़े हैं कि आगे वो निरंतर इस परंपरा को चलाते चले। तो मिश्रा जी, आपसे एक छोटी सी जानकारी जो है हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि जैसा कि माता जी विसर्जन में गौरी घाट माँ नर्मदा के धाम जाती हैं, तो हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप बाकी देखने वाले दर्शकों को किस तरीके का संदेश या किसी तरीके की बात उन तक पहुंचाना चाहिए। हम सभी दुनिया भर में कोरोना के कारण से ये जूझ रहे हैं और सभी इससे रहें, सभी इससे दूर रहें। इस कारण जो हमारे शासन प्रशासन द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई है, गाइडलाइन के अनुसार ही और जैसे कि निरंतर कई बार सुबह नर्मदा जी कुंड में जा रहे हैं, तो इस बार भी हम लोग ठंड में विसर्जन करेंगे। आपका नाम जानना चाहते? मेरा शुभ नाम वासुदेव माफीजा है और मैं घंटाघर महाकाली परिवार का अध्यक्ष। तो बाकी
भैया जी आगे बातचीत करें उससे पहले मैं आपके परिवार से जो है अपने दर्शकों का एक संदेश। कोविड 19 का जो वायरस का प्रकोप था पूरे देश में फैला हुआ था, वो देश क्या दुनिया में फैला हुआ था, मगर ये अति प्रसन्नता की बात है कि माता जी के आगमन से पहले ही उनका प्रकोप बहुत शांत होता जा रहा है। तो सरकार हमारी सरकार जो है ये उन्होंने गाइडलाइन जारी की कि भाई दशहरा मनाया जाएगा, मैंने सोचा किस तरीके का पालन किया जाएगा, अपने रूल्स को फॉलो किया जाएगा। और मैं अपने दर्शकों से भी यही अनुरोध करता हूँ, आए दर्शन करें और अपनी माता का आशीर्वाद लें, मगर अपने डिस्टेंसिंग में अपने नियमों का पालन करें, सैनिटाइज करें, किसी अन्य का चीज़ को स्पर्श न करें और अपने फर्ज को निभाते हुए आगे कुछ निभा। कमेटी में मैं तो अभी गत 10 वर्षों से अध्यक्ष में हूँ यहाँ पे, मगर मेरे बचपन मेरा यहीं बीता हुआ है। मैं बचपन छोटे ही उम्र से मैं माता जी को दर्शन करते हुए आ रहा हूँ, पूरी सेवा तो नहीं कर पाया हूँ मगर यहाँ तक कि मेरे को मालूम है कि 95 वर्ष माता जी का यहाँ पे स्थापना करते हुए बीत चुके हैं। मतलब आपकी उम्र का तकाजा निकाला जाए तो 45 साल या 40 साल। तो एक्चुअल में क्या है, मैं माता को मानता हूँ, मेरे को आज जो मैं इस स्थिति में पहुँचा हूँ सब इन्हीं की देन है। मैं एक प्रकार से मतलब देखो बिखर चुका था, मगर जब से इनकी शरण में आया हूँ तो गत वर्ष 25 वर्ष के अनुसार मैं आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ। तो मैं तो इन्हीं का प्रभाव को इनका चमत्कार उनका आशीर्वाद समझता हूँ। मैं अन्य सभी लोगों से बोल रहा हूँ कि माँ की सेवा करें, दिल से करें, ये अपना प्रकार जरूर देती हैं कि देर से नहीं देती जरूर है। एक विश्वास ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्वास अगर आदमी में जाग जाता है तो ये समझ लीजिए आदमी का जीवन प्रचार हो जाता है, क्योंकि माता रानी का प्रभाव हमारे पास हमेशा बना रहेगा। और मैं तो चाहूँगा कि मेरे हिसाब से कि जब तक अपनी शक्ति है मैं इनकी सेवा करता रहूँ। तो ये थे परिवार सो बस गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो पर पसंद आया तो इसे एक लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑन मेक कर सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक हैगी और यहाँ यूज़र नेम देख सकते हो आप। और इस कैमरे की वीडियो आपको कैसी लगी है, क्वालिटी और माइक के वॉइस कैसी है कमेंट में बताइए। अगर आपको इसका रिव्यू वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताइए, मैं आपको पूरा इसका रिवील दूंगा कि भाई ये कैसा है, कितने का मुझे ये कैमरा पड़ा था, तो सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तब इसमें नहीं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।